हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और क्या हाल है? मैं कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनका अभी मेरे सामने फाइनल ऑप्शन फॉर्म मैंने खोल के रखा है 2020 का। तो 2020 में जो जो डिपार्टमेंट था उसमें से अभी इस टाइम वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी एज़ पर रेफरेंस में 2020 का जो ऑप्शन फॉर्म है उसको पकड़ के उस हिसाब से कुछ डिपार्टमेंट्स जितना हो सके मुझसे, मैं जितना मुझे पता है मैं आपसे इंफॉर्मेशन साझा करूँगा। तो पहले अपन आ जाते हैं ग्रेड सी में। ग्रेड सी में देखिए कुछ ही गिना चुना डिपार्टमेंट्स होते हैं जनरली, 4600 और 4200 ग्रेड पे का। 4600 ग्रेड पे में जो आपका MEA आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर आपका AFHQ आता है, आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, और इसके अलावा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी 4600 ग्रेड पे में आता है, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो भी 4600 में आता है, और बाकी आपका जो कस्टम हो गया CBIC या वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वगैरह अगर कुछ आता है उसमें, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी कभी कभी आई थिंक सुनने में आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का भी ग्रेड सी का वैकेंसी है, तो वो भी 4200 में ही आएगा। ठीक है, तो 4200 ग्रेड पे वाला और 4600 ग्रेड पे वाला ये जो अभी जो डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स है उसमें 4200 का है और जो मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर से वहाँ पे 4600 ग्रेड पे, जबकि काम दोनों का स्टेनो का सेम ही रहता है, ऐसा नहीं कि ग्रेड सी में 4200 और 4600 का काम अलग अलग रहता है, तो लगभग सेम ही रहता है। तो ये चीज़ लेके स्टेनोग्राफर एसोसिएशन ने ऑलरेडी ये केस करके रखा हुआ है, तो वो केस चल रहा है। अगर केस में विन हो जाता है तो आई थिंक इन फ्यूचर 4200 ग्रेड पे आपको देखने नहीं मिलेगा, पूरा 4600 ग्रेड पे पूरा हो जाएगा, जितना भी ग्रेड सी का वैकेंसी निकलेगा 4500 ग्रेड पे का निकलेगा। ठीक है, तो अभी मैं चला जाता हूँ पर्टिकुलर एक एक करके मैं डिपार्टमेंट का बारे में बोलने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं शुरू करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स का चाहे आप ग्रेड सी उठा लो या ग्रेड डी उठा लो, इसका कट ऑफ हमेशा बहुत हाई जाता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मेन जो उसका जो मेन फीचर है वो है फॉरेन पोस्टिंग। जो प्रिविलेज, जो स्पेशल कोई प्रिविलेज इसका वैसे है नहीं अपार्ट फ्रॉम फॉरेन पोस्टिंग। बाकी डिपार्टमेंट में जैसा जितना जो सैलरी मिलता है वही MEA में भी वही मिलता है, कोई स्पेशल अलाउंस वगैरह कुछ नहीं है इफ़ यू आर नॉट पोस्टेड ऑन फॉरेन सॉइल। अब फॉरेन बहुत लोग नहीं जाना चाहते, ऐसा नहीं कि हर कोई फॉरेन जाना चाहेगा, बहुत लोगों का जो है पर्टिकुलर अपने घर के पास रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए फॉरेन आप घूमने जा रहे हो वो चीज़ अलग है, और फॉरेन में आप 3 साल 5 साल काम कर रहे हो वो चीज़ काफ़ी अलग है, बहुत अलग है। आपको घर से आने जाने का एक ही बार का जो है भाड़ा आपको रिइम्बर्समेंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, साल में एक ही बार मिलता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको जो है फैमिली वगैरह को लेके सब कुछ सोच के प्लान करके तभी आप MEA का ऑप्शन भरना। और MEA में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज़्यादातर जो है आपका अगर आप फॉरेन नहीं जाते हो तो आपको दिल्ली ही मिलने वाला है। तो जो फॉरेन का जो रहता है जाने का, तो उसको आप जो है फोरगो कर सकते हो, लेकिन उसका भी कुछ लिमिट है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम जब भी आपको बोले कि फॉरेन जाना है, पोस्टिंग दिया जा रहा है, आप हर बार बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं जाना है, ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक है, हमेशा आप फोरगो नहीं कर सकते। कुछ कुछ जो रीजनल बड़ा बड़ा ऑफिस होता है RPO, तो वहाँ पे स्पेशल एप्लीकेशन वगैरह डाल के या तो आप अटैचमेंट में आ सकते हो या ट्रांसफ़र में भी आ सकते हो, वो भी सिस्टम है, लेकिन वैसे नॉर्मली आपका दिल्ली पोस्टिंग रहने वाली है। ये हो गया आपका MEA का। MEA का तो बारे में बाकी सबको अब तक पता चल ही गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपका जो AFHQ आता है, आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर, ये आपको पता ही चल रहा है कि हेडक्वार्टर में आपका पोस्टिंग होगा, हेडक्वार्टर बोले तो दिल्ली। तो ग्रेड सी में देखिए, ग्रेड सी में मेन जो पोस्टिंग होता है ना 99% केस में वो दिल्ली ही होता है, क्योंकि ग्रेड सी जिस ऑफिसर के साथ वो अटैच होते हैं, जिस ऑफिसर को वो असिस्ट करते हैं, वो ऑफिसर बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर होता है। ग्रेड डी में क्या होता है, आप ऑफिसर को भी जो है वो कर सकते हो, असिस्ट कर सकते हो, और आप सेक्शन में भी एज ए डीलिंग असिस्टेंट आप बैठ सकते हो, काम कर सकते हो ऑफिस में, फाइल वगैरह मूव भी कर सकते हो, और जो है PA का भी काम कर सकते हो। लेकिन ग्रेड सी में आपको PA का ही काम करना पड़ेगा, उसका कोई अलग फाइल वर्क वगैरह ये सब नहीं होता। ग्रेड सी में आपको हाई लेवल ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर को आपको असिस्ट करना है।
उसके काम में। तो ये आपका चीज़ है, ये चीज़ है। और हाँ, और एक चीज़ जो है, AFHU में क्या होता है, AFHU में आपका मोस्टली हेडक्वार्टर दिल्ली में आपका पोस्टिंग रहेगा, और कभी कभी जो है रीजनल हेडक्वार्टर में भी आपको भेजा जा सकता है, जैसे ईस्टर्न कमांड हो गया, वेस्टर्न हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो वहाँ पर भी अगर आप जाना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन करके उसका भी जो है रास्ता खुला हुआ है, वो ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो ये आपका डिफेंस हो गया। अब मैं आता हूँ CBIC में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो कस्टम्स का पोस्ट कोई RTI वगैरह लगा है तो आप देख रहे हैं कस्टम का क्या हिसाब है। कस्टम्स में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव पोस्ट है, कस्टम्स जाना बहुत लोग पसंद करते हैं, और कस्टम काफ़ी इनफेमस भी है रिश्वतखोरी वगैरह ये सब चीज़ के लिए। जबकि मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा कि वो पुराना दिन अभी चला गया है, आजकल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू हुआ है और पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो नौकरी को खतरे में डाल के ऐसा कोई भी काम करने का सोचना भी मत। और बाकी कस्टम्स आपका पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होता है, इसका ट्रांसफ़र लगभग बंद ही है, तो जिस रीजन में एक बार आपको डाला जाएगा तो वहाँ से निकलना मुश्किल है। और कस्टम्स का प्रमोशन जो है स्लो है, जैसे सभी जगह प्रमोशन स्लो है, कोई स्पेशल प्रमोशन कुछ वैसा है नहीं। कस्टम्स में आपका जो है एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप दे सकते हो, इंस्पेक्टर वगैरह बनने का, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जाने का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको कस्टम में ये सुविधा मिल जाता है। और हाँ, जो मैंने जो डिफेंस के बारे में इससे पहले कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उसमें प्रमोशन काफ़ी अच्छा है, कंपेरेटिवली बेटर है, प्रमोशन काफ़ी फास्ट होता है। वैसे अभी RR जो है नया एक इंट्रोड्यूस होने वाला है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए हर जगह, तो ग्रेड D से ग्रेड C का प्रमोशन लगभग 10 साल आपको पकड़ के रखना है, 10 साल से पहले कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ग्रेड D का मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, ओके गाइस, तो चलिए, बाय, टेक केयर।